परमानेंटली। Who is preparing this purchase return book? Is buyer के seller? पहले ये बताओ। Who is going to prepare this purchase book? I am business woman. I am preparing purchase book. So I am as purchaser or seller. बिल्कुल ठीक। Buyer, ठीक है। पहला कॉलम सेम। परचेज बुक में पहला कॉलम क्या होता था? डेट। यहाँ पे भी पहला कॉलम डेट, ठीक है। सेकंड कॉलम वहां पे पर्टिकुलर्स होता था, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स। थर्ड कॉलम वहां पे लेजर फॉलियो होता था, यहाँ पे भी लेजर फॉलियो है। वहां पे परचेज बुक में आउटवर्ड इनवॉइस होता था, एम राइट? यहाँ पे अगला कॉलम या तो डेबिट नोट होगा या क्रेडिट नोट होगा। करवाया होगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, एम राइट? So I as a buyer is going to prepare which note? Debit note, भाई। यही question paper में आया था। Who prepares debit note? Purchaser। और कारण ध्यान से सुनना। When I bought goods on credit, जिस बंदे से मैंने credit पे सामान खरीदा, वो बंदा मेरा creditor बन गया। मैं इसको कैसे याद करती हूँ? मैंने भी कभी as a student इसको याद रखा होगा, और कैसे? जैसे ही मैंने जिस बंदे से सामान खरीदा, वो बंदा मेरा क्रेडिटर बन गया। बीइंग अ क्रेडिटर, वो मेरी लायबिलिटी बना। मींस मैंने उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट किया। क्रेडिटर है तो क्रेडिट किया। उसी बंदे को मैंने कुछ सामान वापस भेज दिया है, एम आई राइट? जब मैंने उसको सामान वापस भेजा, मेरा बिल भी तो कम होगा। अकाउंट्स में क्रेडिट की हुई चीज को अगर कम करते हैं तो डेबिट करते हैं ना, तभी डेबिट नोट बना के भेजेंगे और हम उसे बोलेंगे वी आर डेबिटिंग यू, आई बॉट द गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 विद दिस बिल। बिल नंबर आप बोलोगे, उसे लिख के भेजोगे विद रेफरेंस टू बिल नंबर दिस या इनवॉइस नंबर दिस। इस बिल के अकॉर्डिंग मैंने आपसे 50,000 का सामान वापस खरीदा था। नाउ आई एम डेबिटिंग यू विद रुपीज 12,500 बिकॉज आई एम सेंडिंग बैक द गुड्स टू यू। प्लीज एडजस्ट माई बिल। 50,000 का मैंने खरीदा था, 12,500 का अगर मैं उसे वापस भेज रही हूँ तो डेफिनेटली मैं उसे डेबिट करूंगी। जैसे ही अगली पार्टी तक सामान पहुंचाएगा, वो मेरे को क्या करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? क्रेडिट। इट मींस कि क्रेडिट नोट कौन बनाता है? और वो मेरे को बाय मेल, ईमेल आजकल चलती है, बाय सेंडिंग मी एन ईमेल ही विल बी राइटिंग दैट वी आर क्रेडिटिंग यू। यू नो व्हाई ही इज क्रेडिटिंग मी? क्योंकि उसके लिए मैं डेटर थी। उसके लिए जब मैं डेटर थी तो मैं उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट थी, ठीक है? उतने से मेरे डेटर क्या हो गए, उसके डेटर क्या हो गए? कम, इसलिए वो क्रेडिट करेगा। सो क्रेडिट नोट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय होम seller, debit note is being prepared by whom? Purchaser. This should be fed permanently into your mind. कोई भी बच्चा अब इसे भूलेगा नहीं। Logic के साथ याद करना। Ananya will explain the logic. Why I am debiting my supplier? I am preparing debit note. I am sending him a debit note. और मैं wording पे क्या लिखूंगी? We are debiting you with amount rupees 12,500. Why? सुना नहीं ना? आपकी सहेली ने भी नहीं सुना होगा। किंजल आप बोलो, बैठ जाओ। By debiting he is reducing his liability. He is reducing his liability because he was liable to pay to the supplier. अब उसने उतने का सामान वापस भेज दिया तो उतने से वो अपनी लाइबिलिटी कम कर देगा, और किसी भी लाइबिलिटी को कम करना है तो डेबिट करके कम करना भाई, ठीक है? That's why it is a debit note. अगला सारा सेम, डिटेल एंड अमाउंट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो परचेज रिटर्न के केस में शायद जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी या तो सेल के टाइम पे होता है या परचेज के टाइम पे होता है। रिटर्न के टाइम पे जीएसटी नहीं आना, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? चलो देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज़ेस, पर्टिकुलर्स में क्या लिखूंगी? जिस किसी को मैंने सामान वापस भेजा है उस बंदे का नाम, हाँ जीएसटी होगा, रिवर्स होगा, लिखा है उसने। हाँ, जर्नल एंट्री में रिवर्स होता है, यू आर राइट। इनपुट को हम लोग क्या कर देते, डेबिट में देखती, यहां पे देखती हूँ रिवर्स करता है कि नहीं। लेट्स प्रोसीड विद परचेज रिटर्न बुक। खोलो जी परचेज रिटर्न वाला पेज, टेल मी पेज नंबर 8.59 पे पहुंच गए हम। 8.35 डेबिट नोट, पेज नंबर 8.33 के ऊपर डेबिट नोट के बारे में लिखा है। हम ये वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट के चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। इवन देन यू कैन रीड दिस पैराग्राफ अगेन। और अगर मैं डेबिट नोट का क्वेश्चन
पेपर में डालती हूँ तो दैट इज रिलेटेड विद सब्सिडरी बुक्स नोट विद वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट. कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा वो तो चैप्टर इस टर्म का नहीं. अगर मैं इस चैप्टर में इनवॉइस का क्वेश्चन डालती हूँ ठीक है तो दैट इज ऑल्सो बीइंग कवर्ड हियर क्योंकि सेल्स बुक और परचेज बुक में आप इनवॉइस के कॉलम बनाते हो. कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा कि ये चैप्टर तो हमारा फर्स्ट टर्म का था. So as these terms we are discussing again in the class, so it becomes a part of this chapter as well. Invoice can be asked, debit note can be asked, credit note can be asked. Getting it? Chalo ji, let's see. Mere ko GST wala hi karwana. So she is right. GST he will be reversing. ठीक है जी. जब बिल जब सामान खरीदा था तो जीएसटी के साथ खरीदा था. जब वापस भेजेंगे तो जीएसटी के साथ ही वापस भेजेंगे. Who will tell me the entry for returning back the goods with GST? I am sending back the goods. चलो एंट्री ही पहले मेरे को बताओ. I am sending back the goods costing rupees. यहीं पे अमाउंट लिखती हूँ 15,000. इसके ऊपर 5% CGST था, 5% SGST था. 15,000 की कॉस्ट थी, मैं सामान वापस भेज रही हूँ. Who will tell me the general entries? Volunteers I want in the class. Raise your hands. Purchase return की एंट्री बोलो. Raise your hand. चलो विनीत कौर कौंसल पूरा नाम है ना. चलो purchase return की एंट्री बोलो. I am sending back the goods to Mr. John. ठीक है सप्लायर का नाम भी बोल दिया. Costing rupees 15,000 on which GST has earlier been charged at the rate of 5% each CGST and SGST. Everybody will make up his or her mind for the journal entry. I want the exact answer. Journal entries throughout आपके term का part रहेंगी. ठीक है जर्नल एंट्रीज के बारे में भी कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा. और जीएसटी भी हर चैप्टर में आना है. वो भी मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारी टर्म हो चुकी है. मींस टर्म वन जो है वो बेसी है. हाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं सेपरेटली नहीं पूछूंगी बिकॉज दैट हैज गॉन. अकाउंटिंग इक्वेशन मैं सेपरेटली नहीं पूछूंगी दैट हैज गॉन. ठीक है जो चैप्टर स्पेसिफिकली आउट है दैट आई विल बी टेलिंग यू साइड बाय साइड. बट सम चैप्टर्स आर बेस्ड फॉर अदर चैप्टर्स ऑल्सो सो दैट कैन बी आस्क्ड. डन. अविनीत बोलेंगे नहीं. चलो दीपक दुआ बोलो. मेरे पास इतना टाइम नहीं. मेरे को दोनों बुक्स आज कंप्लीट करवानी है. हाँ जॉन अकाउंट डेबिटेड विद रुपीस. अच्छा रुपीस अभी नहीं होगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट बाद में फिल होता है. चलो जी टू परचेस रिटर्न. बिल्कुल ठीक है. जब सामान खरीदा था तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट किया था. अब सामान वापस भेजा है तो इनपुट सीजीएसटी को रिवर्स करना है. सो ही इज वेरी मच राइट. लेट मी कंप्लीटेड विद अमाउंट. जॉन अकाउंट डेबिटेड टू पीआर मींस परचेस रिटर्न. इट इज नॉट परमानेंट रेसिडेंट. इट इज परचेस रिटर्न टू बोलो इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. कॉस्ट ऑफ द मटेरियल वाज 15,000. 15,000 का 5% 750. एसजीएसटी भी 750 होगा. 1500 बीच में ऐड करके 16,500 जॉन को मैं डेबिट नोट बना के भेजूंगी. और मैं जॉन को बोलूंगी वी आर गोइंग टू डेबिट यू विद रुपीस 16,500 इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 5%. डन. इतने का ही खरीदा होगा. जब परचेज बुक में एंट्री करी होगी तो भी तो बिल और इनवॉइस 16,500 का ही बना होगा. ठीक है जी. चले नाउ रीड योर क्वेश्चन. अब एनालिटिकल है. कल भी डिस्कस करा था. जब कभी भी एनालिटिकल है तो जीएसटी के कॉलम अलग अलग बनाने हैं. तो इन कॉलम्स को मैं थोड़ा सा नैरो करूंगी सो दैट आई कैन एलेबोरेट ऑल द कॉलम्स. जब मैं जीएसटी वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं सिंपल ऑटोमेटिकली हो गया है. ठीक है सिंपल में डिटेल और अमाउंट भी तो लिखनी है. डन. चाहो तो अपनी डायरी एंट्री को जैसे क्लोज करते हो पेज पे या आर्टिकल को ऐसे बॉक्स में क्लोज करते हो ना तो आप इसको एंड में क्लोज भी करके आ सकते हो बाय ड्राइंग द लाइंस ऑन फोर साइड्स जैसे बुक में वो फॉर्मेट बनाता है. चलिए जी अगला कॉलम कॉस्ट का बनाते थे ना परचेसेस में. यहाँ पे भी कॉस्ट का ही बनाना चाहिए लेकिन पहले वो डिटेल का बनाता है और बाद में वो कॉस्ट का बनाता है. पहले डेबिट नोट नंबर में छोटा सा ऐसे डायगोनल लिख देती हूँ. डेबिट नोट नंबर. डन. उसके बाद क्या है डिटेल जिसमें सारी प्लस और माइनस होता है. यहाँ पे कॉस्ट ही रहेगा. फ्रेट वगैरह अगर होगा तो फ्रेट भी रिवर्स हो जाएगा. ठीक है फ्रेट मेरे को नहीं लगता रिटर्न में देगा क्योंकि फ्रेट तो एक बार पे हो गया तो हो गया. फ्रेट नहीं आएगा रिटर्न के केस में. पैकिंग भी नहीं आएगा. वो तो आपने जो पे कर दिया वो लैप्स हो गया ना मैम. इफ यू सेट. और जब आपने फ्रेट पे किया तो सारी गुड्स के ऊपर पे किया. आप सारी गुड्स थोड़ी ना वापस कर रहे हो. आप उसका कुछ पार्ट वापस कर रहे हो तो फ्रेट और पैकिंग वगैरह रिवर्स नहीं होगी मेरे हिसाब से. वो देगा भी नहीं परचेज रिटर्न के केस में. डन.
चलिए अच्छी, अगले कॉलम्स के नाम बोलिए। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी विच वी आर गोइंग टू रिवर्स, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड देन वी राइट टोटल। ओके, आईजीएसटी भी अगर आउट ऑफ द स्टेट है, इनपुट आईजीएसटी एंड देन टोटल। चलिए जी, दो चार आइटम्स मैं करवा देती हूँ, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन कंप्लीट। चलिए जी, क्रेडिटर्स के नाम लिखने होते हैं। और एक बात स्टूडेंट्स, जैसे परचेज बुक और सेल्स बुक में कुछ आइटम स्किप हो जाया करती थी, आमतौर पे यहाँ पे स्किप नहीं होगा। हाँ, अगर स्किप की ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डालता है तो हो सकता है गुड्स के साथ वो रिटर्न ऑफ फर्नीचर लिख दे, है ना। और आमतौर पर एसेट हमें कभी वापस करते नहीं है, क्योंकि एसेट पहले से जांच परख के खरीदे जाते हैं, वो आमतौर पर वापस नहीं भेजे जाते, आमतौर पर गुड्स ही वापस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्किप करने वाली कोई भी ट्रांजेक्शन आपको बहुत कम मिले। परचेज बुक में कुछ ट्रांजेक्शन कैश में होती थी और कुछ परचेज ऑफ एसेट होता था या सेल ऑफ एसेट होता था ना, वो हम स्किप कर देते थे। रिटर्न के केस में मेरे को नहीं लगता कोई स्किपिंग आइटम होगी। ठीक है, नहीं फिर अब ऐसा डालेगा ही नहीं, ऐसा थोड़ा ना डालेगा कि आई परचेज बिफोर हैंड ऑन कैश एंड नाउ वी आर रिटर्निंग बैक। और एक बात, यू आर वेरी मच राइट, इफ यू आर बाइंग इट ऑन कैश, इफ यू आर बाइंग इट ऑन क्रेडिट, व्हेन यू आर रिटर्निंग इट, वो सारी रिटर्न के में आनी है, क्योंकि परचेज रिटर्न में क्रेडिट और कैश की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं पे एमसीक्यू का पढ़ा है, परचेज रिटर्न बुक इज गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ रिटर्न्स वेदर यू हैव बॉट देम ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। परचेज बुक इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर क्रेडिट परचेजेस, सेल बुक इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर क्रेडिट सेल, बट रिटर्न बुक्स आर मेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, ईदर यू हैव परचेज देम ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, क्योंकि रिटर्न मीन्स रिटर्न है, वहां पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ऐसा कुछ वो डालता है। रिटर्न टू पर नाम लिखो, हीरो ब्रदर्स ऑफ शिमला, ठीक है, अपैरल्स की शॉप है आपकी, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, क्या वापस जा रहा है भाई, 10 शर्ट्स जा रही है वापस, 700 रुपए की एक है, 7000 लिख दूं डिटेल में, यहाँ का कॉलम आप खुद फिल करोगे। और क्या वापस जा रहा है स्टूडेंट्स, 5 नाइट सूट जा रहे हैं, हर नाइट सूट 500 रुपए का है, 2500 लिख दूं, टोटल बन गया 9500, डिस्काउंट वगैरह भी नहीं डालेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, डिस्काउंट फिर क्या करना है, डिस्काउंट जब खरीदा था तो भी माइनस हुआ था बिल में से, अब भी माइनस होगा, और टीडी पहले से ही माइनस होता है 20%, 9500 का 20%, ही इज राइटिंग 1900, 00, दिस इज 6, 8 में से एक गया 7, 7600, जीएसटी की परसेंटेज कितनी है, 6% ईच, सो आई एम कॉपिंग फ्रॉम योर बुक 456, 456। ठीक है जी, लिखो फिर यहाँ पे कॉस्ट कितनी लिखोगे डिस्काउंट के बाद, कॉस्ट कितनी, 76, इनपुट सीजीएसटी 456, 456 टोटल कर लो, 12, दिस इज 11, 1, 11, 15, 8512, आईजीएसटी है नहीं, डन, आगे चलो। रिटर्न टू बजाज मिल्स, नाम लिखोगे बजाज मिल्स ऑफ मनाली, हाँ ऊपर वाले में भी डेबिट नोट नंबर दे रखा है, सीक्वेंस में नहीं होगा, क्योंकि किसने बना के भेजा है, सीक्वेंस में होगा, डेबिट नोट विल बी इन सीक्वेंस बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग इट, एम आई राइट, मैंने एक बुकलेट सी प्रिंट करवाई होगी ना डेबिट नोट की, तो सीक्वेंस नहीं होगा, पहला डेबिट नोट नंबर कितना है, अच्छा दो, आई एम प्रिपेयरिंग इट, ये जो ऑनेस्ट ट्रेडर्स हैं खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसने कोई कोड नंबर दिए, डेबिट नोट M/5 देन 6 एंड देन 7, और आगे वाला कोड हमें नहीं पता वो क्या करता है। ठीक है, इसी तरह से हमें जब सर्कुलर आते हैं, क्लास इंचार्जेस है तो सर्कुलर में SI लिखा होता है, CI लिखा होता है, स्लैश डाल के नंबरिंग डाली होती है, अगर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को जाता है तो हो सकता है D&C लिखा हो, ठीक है, फिर स्लैश डाल के नंबरिंग करी होती है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरीज, डन, पर सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो डेबिट नोट नंबर दैट कॉलम यू कैन फिल, फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव द डेबिट नोट नंबर गिवन इन द क्वेश्चन, वो कॉलम भी आप साथ साथ फिल करोगे। कुंद्रा साहब आप किधर देख रहे हैं, 30 मीटर सूट लेंथ, अगर रेडीमेड सामान जा रहा है तो सूटिंग एंड शर्टिंग्स का काम भी कर रहा है हमारा ये ऑनेस्ट ट्रेडर। चलो जी मल्टीप्लाई करो, 30 मीटर इंटू 1500 पर मीटर 45,000, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, आप ऑरली देखते हैं 45,000, देन वी हैव 10 ब्लैंकेट्स भी बेच रहा है ये, 1200 का ईच ब्लैंकेट, सो इट कम्स टू मी 12,000, दोनों को ऐड कर लो 57,000, 57,000 में से टीडी क्या कर दो,
जब इससे मैंने उसने लिखा हुआ है ओरिजिनल इनवॉइस में यहाँ पे टीडी 25% था, मींस जब मैंने खरीदा था तो मेरे इस ट्रेडर ने मेरे को 25% टीडी दिया था, तो अब मैं वही टीडी दोबारा से माइनस करूँ, ठीक है। और फिर जीएसटी क्या कर देना, एड जीएसटी सेम जा रहा है क्योंकि कपड़ों की दुकान है 6% ईच, डन। अगला रिटर्न टू जीएस रठौर ऑफ चंबा एचपी 10 जीज 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000, टीडी नहीं दे रखा, सीजीएसटी तो होगा और सेम स्टेट है, एचपी की स्टेट है, वो 6% क्या कर देना, ऐड कर देना। देन 5 जैकेट्स, हर जैकेट कितने की है, 1000 की, 5000 ये बन जाएगा, टीडी नहीं दिया तो ना सही, जीएसटी तो ऐड करेंगे ना, और कॉलम आपके साथ में एलेबोरेट हो जाएंगे, ठीक है। डिटेल वाले कॉलम का टोटल और टोटल वाले कॉलम का टोटल सेम, डिटेल नहीं सॉरी कॉस्ट वाले नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, किन किन टोटल्स की मैचिंग होनी चाहिए, हाँ डिटेल का वो आमतौर पे टोटल करता नहीं क्योंकि बाइफरकेट करके आगे जाके टोटल करता है। कहाँ किया डिटेल वाले कॉलम का, कहाँ टोटल किया, ही लेफ्ट इट, नहीं किया ना, हर इंडिविजुअल आइटम का करता है, वैसे नहीं करता, ठीक है। जब इंडिविजुअल आइटम का उधर टोटल वाले में मैच हो रहा तो डेफिनेटली ग्रैंड टोटल भी मैच होगा, एंड वी कांट डू इट क्योंकि हम लोग आइटम के नीचे आइटम लिख रहे हैं और हर आइटम का प्लस और माइनस करके लिख रहे हैं, इसलिए कॉलम का टोटल नहीं हो सकता, ठीक है। और करने की जरूरत भी क्या, क्योंकि टोटल का अलग से कॉलम बनाया, तो बेटर टू डू विद दैट। ओके 8.40 पेज पे आओ, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के डिफरेंस पढ़ो, और पांचों डिफरेंस अभी मैंने आपसे पूछ लिए। सो अगेन दिस इज वेरीफाइड, पेज नंबर 8.40, this is verified that debit note and credit note can be asked in the paper because he has elaborated these two terms in your chapter. Pancho difference padho and I'm going to discuss it with you. Everyone, students sitting online, they will also read these points of differences. Read all the points, hurry up. By whom prepared? क्या डेबिट नहीं बताना है आपने जो पढ़ लिया, अभी सिखा चुकी हूँ, डेबिट नोट कौन बनाता है, ठीक है, एंड क्रेडिट नोट कौन बनाता है, सप्लायर, डन। ये बायर बनाता है, ये सेलर बनाता है, डन। पार्टीज बाय हूम दीज आर प्रिपेयर्ड इज क्लैरिफाइड। सेकेंड, इंटीमेशन और एक्नॉलेजमेंट, इंटीमेशन और एक्नॉलेजमेंट मीन्स वी आर टेलिंग टू अदर पार्टी, अगर डेबिट नोट मैंने बनाया है ऐसा बायर, तो मैं किसको इंटीमेट कर रही हूँ, सेलर को, कि मैं तेरा इतने का सामान वापस भेज रही हूँ, और जब सामान उसे मिल जाता है मेरे को इंटीमेट करता है, गुड सेंट बाय यू हैव बीन रिसीव्ड बाय मी, आपने जो सामान कुरियर करा था मेरे को मिल गया और मैंने आपके अकाउंट को इतने से क्रेडिट कर दिया है, रिवर्स चलेगा, ठीक है। सो बोथ द पार्टीज आर इंटीमेटिंग टू ईच अदर, आगे चलते हैं। Accounting entry, who is going to be debit? अभी मैंने सिखाया, debit note है तो one party is going to be debited in the entry ना? Who is going to be debited? Yes. Hereby who is going to be credited? Customer, debtor. ठीक है? तो party to be debited, party to be credited. आगे चलते accounting entry. Follow up. पढ़ा ना आपने point, बोलो क्या मतलब है उसका? चलो हर्षिका बोलो, क्रेडिट नोट बनाने के लिए डेबिट नोट की जरूरत पड़ती है क्योंकि पहले आप सामान वापस भेजोगे, जब आपके सप्लायर को सामान वापस मिल जाएगा तभी वो क्रेडिट नोट बनाएगा ना। इट मींस क्या वर्डिंग बोलनी चाहिए, डेबिट नोट फॉलोस क्रेडिट नोट बट वाइस वर्सा इज नॉट देयर, क्रेडिट नोट फॉलोस, अच्छा फॉलोस मतलब बाद में बनता, ठीक है रिवर्स है, क्रेडिट नोट फॉलोस डेबिट नोट, फॉलोस का मतलब उसके लक्ष्य कदमों पे चलना, पहले वो होगा फिर हमारा क्रेडिट नोट बनेगा, मींस पहले डेबिट नोट बना है बाद में क्रेडिट नोट बनेगा, वाइस वर्सा इज नॉट देयर, वाइस वर्सा मीन्स ये नहीं है कि पहले क्रेडिट नोट बने और बाद में डेबिट नोट बने, ऐसा नहीं है, पहले हमेशा डेबिट नोट बनना है उसके बाद ही क्या बनना है क्रेडिट नोट, पहले डीएन है बाद में सीएन,
ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिस फॉर एंट्रीज, डेबिट नोट हेल्प्स टू पास एंट्री इन द परचेस रिटर्न बुक। उस डॉक्यूमेंट को देखोगे और आप परचेस रिटर्न में अपने सप्लायर का नाम लिख दोगे। क्रेडिट नोट ऑलवेज हेल्प्स टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द सेल्स रिटर्न बुक। डन, खत्म। सो ऑल द पॉइंट्स वर ऑलरेडी अंडरस्टूड टू यू। सिर्फ एक सीक्वेंस का मेरे को नई बात पता चली, क्रेडिट नोट फॉलोज डेबिट नोट बट वाइस वर्सा इज नॉट देयर। डन। सो सेल्स रिटर्न बुक विदाउट जीएसटी वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन। डन। वी विल बी डूइंग ओनली विद जीएसटी। सेल्स रिटर्न बुक अगेन वी विल बी प्रिपेयरिंग विद जीएसटी। Once we are doing with GST, that is automatically, I am repeating that we have done the simple case as well. Done? चलिए अच्छा, GST के साथ देखिए 14th illustration देखिए. See 14th illustration everyone. पढ़ो, पहले columns देख लो, एक ही column का नाम change होगा, बाकी तो सारे same रहेंगे. Debit note की जगह अब मैं column का नाम credit note रख दूंगी. Done? ऊपर पार्टी का नाम भी लिखना होता है जिस पार्टी की बुक्स में हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता स्पोर्ट्स जलंधर है, हमारे अपने सिटी की सेल्स रिटर्न बुक हम बना रहे हैं, स्वतंत्रता स्पोर्ट्स जलंधर, राइट। उसके बाद पोस्ट देम इनटू लेजर नहीं आना इस चैप्टर में से, सिर्फ सब्सिडरी बुक की प्रेपरेशन आनी है। सो दिस इज व्हाट सेल्स बुक, स्वतंत्रता स्पोर्ट्स नीचे लिखोगे नाम। दीपांशु आप बोले जा रहे हो, नहीं डाल दें, नो पर्सनल कमेंट्स। दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, क्रेडिट नोट नंबर, आगे बोलो डिटेल, और वहां पे कॉस्ट होता था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा, तो नेट सेल्स वैल्यू इसे बोलता है, नेट सेल वैल्यू मतलब टीडी माइनस करने के बाद, राइट। So I will also be calling it net sales value या sales price, SP, net sales price। आगे बोलो, output CGST, output SGST, output IGST, then total, ठीक है जी, आगे चलो पढ़ो। Why are you speaking? Read the statement. Multiply करो 20 विजय क्रिकेट बैट्स 15,000 के हो गए। डिटेल में लिख दिया मैंने, ये डिटेल का कॉलम है, 15,000 के बॉल बैट्स, 10 फुटबॉल, हर फुटबॉल कितने का है 300 का, 3,000 के फुटबॉल हो गए, टोटल 18,000 बना। टीडी देखो 20% 3,600, 14,400 माइनस करके आया। जीएसटी की परसेंटेज क्या है 66%, ठीक है 864 बाइफरकेट करके सारे कॉलम फिल कर ले, ठीक है। सारे कॉलम कौन से, नेट में क्या लिखूं, 14,400 टीडी के बाद आउटपुट 664 864, आईजीएसटी में कुछ नहीं आना, तीनों का टोटल करके यहाँ पे लिख दे, ठीक है जी, वेरी इजी, same as of your purchase return book, and credit note number he is giving, वो फिर sequence में चलता था 5, 6, 7, ये sequence में नहीं चलेगा क्योंकि अलग अलग customer से आया ना, अलग अलग customer से आया, बोलो, अलग अलग customer से आया credit note, customer ने बनाया तो हमने बनाया, yes, credit note तो हमने बनाया, हाँ ठीक तो है, अभी तो डिस्कस किया है। डेबिट नोट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय परचेसर एंड क्रेडिट नोट इज बीइंग सेंट बाय द सेलर टू द परचेसर एक्नॉलेजिंग हिम दैट द गुड्स सेंट बाय हिम हैव बीन रिसीव्ड, ठीक है। फिर भी सीक्वेंस नहीं है, दैट आई एम नॉट बॉदरिंग, ठीक जो भी है ठीक है। आगे चलो, 2 dozen rackets 1500 into 2 3000, 20% टीडी माइनस कर देना, आगे आपको आता है 20 hockey sticks 300 से मल्टीप्लाई कर देना। आप किधर देख रहे हो आर्यन, बुक का है, आप किधर देख रहे हो, फ्लोर की तरफ देख रहे हो, हरीजी एंड कंपनी लुधियाना, 5 कैरम बोर्ड्स 1000 के कैरम बोर्ड्स हो जाएंगे, 15
परसेंट माइनस कर देना 150, 850 आ जाएगा, 850 का 6-6% कैलकुलेट कर देना, बात खत्म। और सारा ही विदिन स्टेट है, सारी मेरे को लगता है पंजाब है, नहीं उत्तराखंड भी है, तो वहां पे आईजीएसटी जाएगा 12% इकट्ठा। उत्तराखंड वाला कैलकुलेशन देखो, 12% इकट्ठा किया होगा। देहरादून भी अलग से है, देहरादून यूपी की स्टेट है, सिटी मुंबई अलग है, देहरादून अलग है बेटे, हाँ सारी अलग, पटियाला पंजाब में है, पटियाला पंजाब में, ठीक है। चलो कम एट द बैक एक्सरसाइज, टुडे इज द लास्ट डे वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर, फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रायल बैलेंस। और आपका जो कमिंग वेडनेसडे, कल टेस्ट कोई नहीं है, कमिंग वेडनेसडे टेस्ट होगा एमसीक्यू का, फिर इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव का होगा। सब्जेक्टिव के केस भी आपको पीडीएफ बना के सॉल्व करके भेजना होगा, और वी आर जस्ट प्लानिंग कि टेस्ट स्कूल में ही हो, रिटर्न ही हो, ठीक है। देख लेते हैं, अभी विद इन अ डे और टू यू विल गेट द टेस्ट शेड्यूल। चलो सिंपल वाला क्वेश्चन करो, रिटर्न इनवर्ड बुक बनाओ, क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 20th।